नमस्कार, इंडिक्स ऑनलाइन पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कात्यायनी। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है। यूनान, रोम और मिश्र जैसी सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन हम बच गए। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन सभ्यताओं को किसने नष्ट किया? क्या आप विश्वास करेंगे जिस तरह से रोमन सभ्यता को समाप्त किया गया था, ठीक वही फॉर्मूला आज भारतीय सभ्यता को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है और हमें पता तक नहीं। क्या आपने कभी सोचा है हिंदू त्योहारों और परंपराओं पर हो रहे हमलों के पीछे कौन है? कौन है जो तय करता है कि कब कौन सा हिंदू त्योहार बंद कराना है? उन त्योहारों के विरुद्ध मीडिया में दुष्प्रचार के लिए कौन देता है पैसे? फिर न्यायपालिका में याचिका डालकर उन पर प्रतिबंध कौन लगवाता है? ये सब कैसे होता है? इसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है? इस पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए आपको प्राचीन रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। रोमन साम्राज्य के लोग ईसाई नहीं थे, उनके अपने अलग देवी देवता थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू धर्म के होते हैं। बहुत योजनाबद्ध तरीके से चर्च ने रोमन साम्राज्य का सफाया कर दिया। अब वही काम भारत में हिंदू सभ्यता के साथ किया जा रहा है। हमारे त्योहार हमारी प्राचीन संस्कृति के सबसे बड़े वाहक हैं। जब इन्हें खत्म कर दिया जाएगा तो इनसे जुड़े संगीत, नृत्य, लोक कलाएं भी स्वयं ही लुप्त हो जाएंगी। रोमन साम्राज्य में क्या हुआ था? 2-2.5 हजार वर्ष पहले तक रोमन साम्राज्य एक फलती फूलती सभ्यता हुआ करता था, लेकिन कैथोलिक ईसाई मजहब के उदय के साथ ही रोमन सभ्यता का पतन आरंभ हो गया। ईसवी वर्ष 380 में रोमन सम्राट थियोडोसियस ने ईसाइयत को अपने राज्य का आधिकारिक मजहब घोषित कर दिया। राजा के इस आदेश को एडिक्ट ऑफ थेसलोनिका यानी थेसलोनिका का राज्यादेश कहते हैं। इसमें कहा गया कि जो लोग ईसाई धर्म में आस्था नहीं रखते उन्हें हेरेटिक अर्थात विधर्मी माना जाएगा। ऐसे लोगों को सांसारिक और ईश्वरीय दोनों तरह के दंड दिए जाएंगे। इसके साथ ही रोमन सभ्यता की निशानियों को मिटाने का अभियान शुरू हो गया। इसका सबसे पहला शिकार बने रोमन त्योहार और परंपराएं। रोमन सभ्यता के लगभग सभी त्योहारों के मनाने पर रोक लगा दी गई। वर्ष 392 में रोमन ज्योतिष शास्त्र को अंधविश्वास बताकर उस पर पाबंदी लगा दी गई। रोमन देवी देवताओं की मूर्तियां घर में रखने या उनके लॉकेट पहनने पर भी रोक लगा दी गई। इसका उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। चर्च के आदेश पर ओलंपिक खेलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 426 में सम्राट के आदेश पर ओलंपिया के स्टेडियम को तहस नहस कर दिया गया। इसमें एक साथ 40,000 लोग बैठकर तरह तरह के खेलों का आनंद लिया करते थे। आज भी ईसाई संस्थाएं इस विध्वंस को अपनी सांस्कृतिक विजय मानती हैं। जो रोम में हुआ वही भारत में हो रहा है। रोमन सभ्यता वाला प्रयोग भारत में 16वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। गोवा में कैथोलिक सेंट फ्रांसिस जेवियर ने इसका नेतृत्व किया। इसे गोवा इंक्विजिशन के नाम से जानते हैं। इस पर हमारे वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। बाद में अंग्रेजों ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद
कांग्रेस पार्टी की देखरेख में ये काम जारी रहा। सोनिया गांधी के आगमन के बाद अभियान ने और भी तेजी पकड़ ली। भारत को पूरी तरह से ईसाई देश बनाने के लिए बीते कई दशक से एक अभियान चल रहा है। इसे जोशुआ प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पा रहे थे। वर्ष 2004 में यह तय हुआ कि धर्मांतरण ही पर्याप्त नहीं है, उसके बाद भी लोग त्योहारों और परंपराओं के साथ जुड़े रहते हैं। आवश्यक है कि हिंदू धार्मिक परंपराओं को ही निशाना बनाया जाए। इसे प्रोजेक्ट थेसलोनिका का नाम दिया गया। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने, दही हांडी, जलीकट्टू, दिवाली सभी पर इसके बाद ही हमले शुरू हो गए। प्रोजेक्ट थेसलोनिका की प्रमुख बातें इस तरह हैं। नए हिंदू मंदिर नहीं बनने चाहिए, इसके लिए सामाजिक, सरकारी और कानूनी स्तर पर अभियान चलाने चाहिए। उन जातियों का धर्मांतरण प्राथमिकता के आधार पर करवाना जो पारंपरिक रूप से मिस्त्री, कारीगर और शिल्पकार का काम करती हैं। जिन शहरों में कुंभ का आयोजन होता है, वहां पर धर्मांतरण की जिम्मेदारी अमेरिका के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च ऑफ नैशविल को दी गई है। ये नाव चलाने वालों, पूजा सामग्री और फूल बेचने वालों को धर्मांतरित कराने का प्रयास करते हैं, ताकि वहां के धार्मिक ताने बाने को तोड़ा जा सके। प्रोजेक्ट थेसलोनिका में काशी के मल्लाहों का विशेष रूप से जिक्र है। इसके अनुसार मल्लाहों को ट्रेनिंग देकर दूसरे पेशे को अपनाने या नौकरी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पर्यावरण के नाम पर एनजीओ खड़े करना जो हिंदू त्योहारों और परंपराओं के विरुद्ध न्यायालय में जनहित याचिकाएं डाल सकें। प्रोजेक्ट थेसलोनिका के अंतर्गत ही टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों की कहानियों में ऐसी बातें पिरोने का काम चल रहा है जिनसे हिंदुओं में अपनी परंपराओं और त्योहारों के लिए हीन भावना पैदा की जा सके। टीवी और फिल्मों की ही तरह राजनेताओं पर भी निवेश की योजना बनाई गई। मिशनरी सभी पार्टियों के नेताओं को मोटी रकम देते हैं ताकि कोई सरकार बदल जाए तब भी उनके क्रियाकलापों पर असर न पड़े। मुंबई का दही हांडी उत्सव प्रोजेक्ट थेसलोनिका का सबसे बड़ा शिकार कहा जा सकता है। ये विश्व में मानव पिरामिड बनाने का सबसे अनोखा खेल आयोजन हुआ करता था। दही हांडी में भाग लेने और इसे देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक आया करते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दही हांडी की ऊंचाई 20 फुट तय कर दी। उसके बाद से इस खेल का रोमांच खत्म हो चुका है और अब इसे देखने कोई नहीं आता। सोचिए कि ऊंची कूद के खेल में ये तय कर दिया जाए कि कोई खिलाड़ी अमुक ऊंचाई से अधिक छलांग नहीं लगा सकता, तो क्या होगा? अब प्रश्न उठता है कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम और आप क्या करें? क्या चुपचाप इन षड्यंत्रों को देखते रहें? क्योंकि भारतीय सभ्यता को नष्ट करने का ये सारा खेल सरकारी तंत्र और न्यायालयों के माध्यम से खेला जा रहा है। अदालतों से लगवाए गए प्रतिबंध को हटाने का सबसे आसान तरीका है कि सरकार उससे जुड़े कानूनों में संसद के माध्यम से बदलाव करे। ये काम जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले हिंदू समाज का उत्तरदायित्व है कि इन विधर्मी षड्यंत्रों के विरुद्ध सजग रहे। जो न्यायतंत्र किसी विधर्मी षड्यंत्र की कठपुतली बन चुका हो, उसका सम्मान करने की कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं है। उनके प्रयासों के विरुद्ध बोलें और लिखें, दूसरों को भी इस बारे में बताएं, तभी सरकारों पर भी दबाव बनेगा। तभी हम यूनान, रोम और मिस्र की तरह एक दिन भारतीय सभ्यता को भी सदा के लिए मिटने से बचा पाएंगे।